डू यू फील प्रेशराइज व्हेन प्रिपेयरिंग? हाउ, कितने प्रेशर में आप रहे हैं? यस यू वेयर प्रेशर, अगर नहीं होगा तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे. वो मतलब एक वो रहता है कि देर से, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर तो चाहिए ही आपको वर्क कर, और उसको स्ट्रेस में नहीं कन्वर्ट करना. मतलब प्रेशर अपॉन एरिया है स्ट्रेस, तो प्रेशर तक ही रखिए, उसको स्ट्रेस मतलब मत बढ़ाइए. अपना एरिया बढ़ाइए इन द सेंस कि रेजिलियंस इंक्रीज कर लीजिए अपना. तो अगर आपको जैसे मेरे पहले दोनों मेंस नहीं निकले थे, तो उसके बाद में लगा था कि डू आई मतलब एक्चुअली डिजर्व गेटिंग इन टू द सर्विसेज. लगा कि नहीं, मतलब आई कैन अभी दो ही अटेम्प्ट तो हुए हैं, करते हैं अभी, व्हाट ट्राई करते हैं. और ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं आता. मतलब सर हमेशा कहते हैं कि आप अपने जो जो डर्टी वर्क जो आपने नोट्स बना के रखे उसको अपने सामने रखो. तो वो एक मोटिवेशन देता है कि मैं इतना करके आ चुकी हूँ, तो अभी और थोड़ा सा कर लेते हैं. योर ओन वर्क इज योर मोटिवेशन, योर रीजंस टू एंटर द सर्विस इज अ मोटिवेशन, द क्यूरियोसिटी एंड द होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, दैट्स अ मोटिवेशन. So she's been through all of this and she says ki pressure, anxiety part of the process hai. Isse itni zyada isse, don't get demotivated by all of that. It's a part of the life also. Matlab if you see the UPSC exam, it's a microcosm of your entire life. Aap apni life ko 50 saal ko dekhi ya 5 saal mein tab jhel lete hain. To theek hai, pressure rehta hai, bas हाँ थोड़ा रेजिलियंस बढ़ाना पड़ेगा. और क्या है, आप मेडिटेशन कर लो, आप कुछ ऐसी टेक्निक्स, थॉटफुलनेस आप ले आओ, अवेयरनेस ले आओ अपने अंदर. लेकिन आप भाग नहीं सकते चीजों से. मतलब आप इस एग्जाम से भाग लो, लाइफ से कैसे भागोगे, कुछ और आ जाएगा आपके सामने. आई आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज आजकल लेटली हम बिकॉज ऑफ मीडिया में भी पार्टली ज्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस इश्यूज आते हैं बच्चों के, एंड सम ऑफ देम डू वेरी ड्रास्टिक, अनफॉर्चुनेटली विद ड्रास्टिक स्टेप्स नॉट रिक्वायर्ड. It's a pleasurable journey, a new discovery. Take it in that spirit. Yes. Is what I want. और लोगों से मिलना जरूरी है. मतलब हम लोग ऐसे बंद तो जाते हैं कमरे में अपने रूम के अंदर. I think वो भी एक problem. Socialization is also important. Socialization, but with a good people. जो आपको uplift करें. मतलब जरूरी नहीं आप energy vampire से please दूर रहें. सब लोग ऐसे लोग नहीं चाहिए अपनी life में. हाँ, जो आपको suck out कर लें. लेकिन ऐसे लोग चाहिए, और वो आपके parents भी हो सकते हैं, आपके teachers हो सकते हैं, friends हो सकते हैं. But इतना आप अपने दिमाग में ऐसे, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पीपल हु एक्चुअली केयर फॉर यू एंड हु कैन हेल्प यू ग्रो, एंड ऐसे लोग जो कि आपको बस नीचे करने वाले बैठ रहे हैं. और रखिए अपने संग, मतलब हैव 10 to 8-10 पीपल अराउंड यू. मतलब आप उनसे फोन पे बात करते रहिए. सो यू डोंट नीड टू गो इनटू एन आइसोलेशन. नहीं नहीं, आप मतलब पहले एक साल रही, डेढ़ साल, बट वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था. उससे नहीं होने वाला है. बट द विजडम इज फाइंड द राइट पीपल टू वर्क विद. फाइंड द राइट पीपल. इनफैक्ट आई एम एनकरेजिंग दिस कि जो बच्चे क्लासरूम में बैठते हैं, वी टेल देम कि फाइंड वन और टू पर्सन, या लाइब्रेरी में मिल जाए आपको पीपल हु आर इन द प्रोसेस, हु अंडरस्टैंड योर स्ट्रेस and were committed to studying as intensely.